नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपने पिछले आदेश में लगाई गई रोक को हटा लिया है और कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक और ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंदिर कमेटी, राज्य और केंद्र सरकार को समन्वय बनाने के लिए कहा है और कोर्ट ने ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन करने के अनुरोध पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से मामले का विशेष उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। उन्होंने यहां कुछ प्रतिबंधों के साथ रथ यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया। जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये रथ यात्रा सदियों पुरानी है और इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष इस मामले में कुछ शर्तों और हिदायतों के साथ पहले के आदेश में संशोधन का आग्रह किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये कई करोड़ लोगों की आस्था का मामला है। अगर भगवान जगन्नाथ को कल बाहर नहीं लाया गया तो परंपरा के मुताबिक उन्हें अगले 12 साल तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इस पीठ में दोपहर बाद मुख्य न्यायाधीश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ गए। तुषार मेहता ने कहा कि इस रथ यात्रा में केवल उन लोगों का चयन होगा जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया हो और वे भगवान जगन्नाथ मंदिर में सेवायत के रूप में काम कर रहे हों। उन्होंने बताया कि भीड़ को रोकने के लिए राज्य सरकार कर्फ्यू लगा सकती है। हालातों को देखते हुए कदम उठाए जा सकते हैं और जन भागीदारी के बिना रथ यात्रा आयोजित हो सकती है। जिसके बाद कोर्ट ने पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन को मंजूरी दे दी है। वहीं ओडिशा सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने भी केंद्र की दलील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ता पूरे एहतियात के साथ रथ यात्रा आयोजित करते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि ओडिशा में नयागढ़ जिले के 19 साल के मुस्लिम छात्र ने भी जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले आफताब हुसैन बीए अर्थशास्त्र के छात्र हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर राज्य का दूसरा सलाबेग कहा जा रहा है। आफताब हुसैन ने कहा है कि उसके पिता भी भगवान के भक्त थे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाली रथ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी थी, जिसके बाद हिंदुओं ने कोर्ट के इस फैसले पर विरोध जाहिर किया। यहां तक कि कई पुनर्विचार याचिकाएं भी लगाई गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।